अब जानते हैं किसे केजिन प्रोटीन लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। तो Hey, what's up, guys? I'm Ronit Sardar. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are enjoying the supplement series, जिधर मैं बहुत सारे supplements के ऊपर काफी video बना चुका हूँ। जैसे जिधर कि आप पता है कि whey protein and muscular में से क्या लेना चाहिए उसके ऊपर, whey protein जो isolate and concentrate में क्या लेना चाहिए उसके ऊपर, creatine monohydrate and creatine hydrochloride में से क्या लेना चाहिए उसके ऊपर, एंड BCAAs के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना चुका है जो कि काफ़ी क्विक एंड इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले जाके उन वीडियोस को आप लोग देख लीजिए। सो आज का वीडियोस का जो टॉपिक है वो है केजिन प्रोटीन के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि केजिन प्रोटीन क्या है। तो आपके घर में जो दूध है उस दूध को आप जब दूध से जब आप पनीर या बंगाली में कहते हैं जो छाना निकलते हो, तब वो निकलने के बाद जो लिक्विड पड़ा रहता है उसे आप लोग जानते हो, उसे कहते हैं व्हे प्रोटीन। एंड जो क्लम्प्स जो चीज़ निकल के आता है जो है आपका जो छाना या जो पनीर है वो है आपका केजिन प्रोटीन। तो उसके अंदर है आपका केजिन प्रोटीन। एंड दूध जो रहता है वो लिक्विड में, तब वो दूध में 80% जो प्रोटीन रहता है वो केजिन प्रोटीन एंड 20% जो रहता है वो होता है व्हे प्रोटीन। तो ये तो गया कि केजिन प्रोटीन क्या है। तो अब जानते हैं कि केजिन प्रोटीन के अंदर कैसे कैसे प्रॉपर्टीज मौजूद रहते हैं। तो केजिन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि जिसको भी व्हे प्रोटीन की तरह एक कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है, बिकॉज व्हे प्रोटीन की तरह केजिन प्रोटीन में भी ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड्स मौजूद रहता है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी को ज़रूरत होता है। तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या करता है, हमारे जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इंक्रीज करता है एंड मसल प्रोटीन जो ब्रेकडाउन है उसे डिक्रीज करता है। एंड जो केजिन प्रोटीन के अंदर व्हे प्रोटीन की तरह उतना हाई क्वांटिटी में ल्यूसीन जो एक अमीनो एसिड है वो मौजूद नहीं रहता है, तो इसके कारण केजिन प्रोटीन हमारे जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इंक्रीज नहीं करता है। बट केजिन प्रोटीन के अंदर मसल प्रिजर्विंग प्रॉपर्टीज होने के कारण ये आपका जो मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन है उसको डिक्रीज करता है, उसको कम करता है। एंड केजिन प्रोटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि स्लो डाइजेस्टिव सप्लीमेंट है, व्हे प्रोटीन फास्ट डाइजेस्टिव है एंड केजिन प्रोटीन आपका स्लो डाइजेस्टिव है। इसका मतलब है ये आपके बॉडी के अंदर या स्टमक के अंदर धीरे धीरे पचता है, धीरे धीरे डाइजेशन होता है। तो इसके कारण में आपका जो केजिन प्रोटीन है वो आपके बॉडी में 8 to 9 hours वो रहता है एंड इसके दौरान आपका जो बॉडी को वो ब्लड स्ट्रीम में आपका प्रोटीन को वो कंटिन्यूसली वो प्रोवाइड करता रहता है, बॉडी को कंटिन्यूसली वो प्रोटीन देते रहता है जो कि व्हे प्रोटीन नहीं करता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है व्हे प्रोटीन के साथ केजिन प्रोटीन का। तो इसके चलते केजिन प्रोटीन को ज़्यादातर लोग या सब लोग रात में सोने से पहले 30 मिनट सोने से पहले केजिन प्रोटीन को कंज्यूम करता है। एंड केजिन प्रोटीन के अंदर जो ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है वो आपका प्रोटीन जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इंक्रीज करता है एंड उसके अंदर जो मसल प्रिजर्विंग जो प्रॉपर्टीज होने के कारण वो आपको जो आप लोग 8 से 9 घंटा जो आपका जो स्लीपिंग आवर्स होता है उसके अंदर आपका बॉडी को एनाबॉलिक जोन में रखने के लिए एनाबॉलिक जोन में वो कंटिन्यू रखता है। एंड थ्रू आउट द जो आप लोग वो टाइम पे सोते हो आपका जो बॉडी उसको जो केजिन प्रोटीन कंटिन्यूसली प्रोटीन वो प्रोवाइड करता रहता है। तो ये है केजिन प्रोटीन का सबसे जो बेस्ट एक रिजल्ट है जो सारे लोग केजिन प्रोटीन को ले सकते हैं। तो इसके चलते क्या होता है, हमारे जो मसल प्रोटीन जो ब्रेकडाउन है वो डिक्रीज होता है, मसल प्रोटीन इतना जो ब्रेकडाउन नहीं होता है। क्या होता है, जब आप लोग 8 से 9 घंटा सोते हो तब आप बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए होता है तो नहीं मिलता है, तो केजिन प्रोटीन उस टाइम पे आपके बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करता रहता है। तो ये क्या केजिन प्रोटीन लेने का कारण। अब जानते हैं किसे केजिन प्रोटीन लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा सब केजिन प्रोटीन को यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं, बिकॉज इंडियन मार्केट के अंदर व्हे प्रोटीन से ज़्यादा पैसे में मिलता है केजिन प्रोटीन। एंड केजिन प्रोटीन आपको कब लेना चाहिए, आपका सोने से 30 मिनट्स पहले आपको केजिन प्रोटीन जो सप्लीमेंट है उसको लेना चाहिए। अगर आप केजिन प्रोटीन नहीं खरीद पा रहे हो या केजिन प्रोटीन को आप
यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप पनीर या ग्रीक योगर्ट या फिर छाना जो बंगाली में कहते हैं उसे आप यूज़ कर सकते हो। एंड आप अगर वे प्रोटीन के साथ भी कुछ कर सकते हो तो वो है वे प्रोटीन के साथ आप ऑलिव ऑयल या फिर पीनट बटर ऐड कर दीजिए। तो वे प्रोटीन के साथ फैट्स ऐड करने से क्या होता है, वे प्रोटीन जो फास्ट डाइजेस्टिव जो प्रोटीन है वो स्लो डाइजेस्टिव हो जाता है बिकॉज उसके साथ आप फैट्स ऐड कर चुके हो ऑलिव ऑयल एंड पीनट बटर के रूप में। तो ये क्या केजिन प्रोटीन के बारे में कि आप केजिन प्रोटीन क्या है, केजिन प्रोटीन के अंदर क्या मौजूद रहता है, कैसे हेल्प करता है एंड कौन किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। नया साल आ रहा है, बहुत लोग मजे कीजिए, मजे में रहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फ्रेंड्स के साथ मजे कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, स्टे नेचुरल, कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग।